हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज मैथ्स में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री पार्ट 6, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करेंगे वो है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, देखिए आपके ट्राइंगल के चार अलग अलग सेंटर होते हैं, चारों सेंटर को मैं इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। तो आप ये करिए कि अगर जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप अपने नोटबुक को चार हिस्सों में बांट दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक को घुमा दीजिए, तिरछा कर दीजिए, ताकि आपका जो है लेंथ थोड़ा बड़ा रहेगा। इसमें पहले कॉलम में आप यहां पर इन सेंटर लिखना, इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र। इसके बाद आप लिखना परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। सेकेंड कॉलम में क्या लिखोगे? सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, परिकेंद्र लिखना यहां पर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? थर्ड कॉलम में लिखना सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक, केंद्रक। और लास्ट में आपका आएगा यहां पर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंबा केंद्र, लंबा केंद्र। देखिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों को एक साथ पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप यहां पर इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का, तो यहां पर चारों सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कभी अगर इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आया और आपने सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी लगा दी तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप चारों चीजों को नोट्स एक साथ बनाइए। मैं यहां पर पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड करा लूंगा, लेकिन आप कितने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स जब आप खुद बनाएंगे वो ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहां आपको पता है पीडीएफ कहां मिलता है, ठीक है, कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट पर और साथ ही साथ ऐप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। बट ज्यादा अच्छा होगा कि लेक्चर देखकर आप यहां पर अपने नोटबुक पर चारों चीजों का नोट्स बढ़िया से बनाएं, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पहले इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट SSC CGL और CHSL का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ यहां पर आपका प्रिपरेशन चल रहा है, जिसका फायदा आप हमारे साथ जुड़कर इसका उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं अंतः केंद्र, इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सभी तरह के ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी ट्राइंगल के लिए आप हमेशा एक सर्कल जरूर ऐसा बना सकते हैं जो सर्कल उसके अंदर लाई करे, यानी कि अंदर लाई करने का मतलब ये इस तीनों साइड्स को टच करे, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, तीनों साइड को टच करे, और इसी सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल यानी कि अंतः वृत्त। इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? इसी वृत्त को हम कहते हैं अंतः वृत्त। ऐसा वृत्त जो कि किसी भी त्रिभुज के अंदर पूरी तरह से फिट होता है, यानी कि ये तीनों साइड जो है उसको टच कर रहे होंगे, तो बाहर के जो साइड्स हैं ये इसके लिए एक टेंजेंट का काम करते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा का काम करते हैं, ठीक है। टेंजेंट के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में सर्कल्स में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए एक ऐसी रेखा जो इस सर्कल को एक बिंदु पर टच करे, एक ही पॉइंट पर टच करे, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये समझना होगा हमें कि ये अंतः केंद्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए जहां पर आपके एंगल बाइसेक्टर मीट करे, मतलब कि देखिए ये आंतरिक कोण समद्विभाजक इसका एंगल ए का, आंतरिक कोण समद्विभाजक एंगल बी का और आंतरिक कोण समद्विभाजक एंगल सी का, तीनों के तीनों जहां पर मिले। देखिए ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है, सबसे पहले ये वाला आंतरिक कोण समद्विभाजक है इसका एंगल ए का, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है एंगल बी का और ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है एंगल सी का। ये जहां पर जाकर मिलते हैं वही आपका बन जाता है इन सेंटर यानी कि परि यानी कि अंतः केंद्र। यहां से जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहां से हम जब लंब खींचते हैं साइड बीसी पर, ये भी इनर रेडियस होता है। यहां से जब आप लंब खींचोगे तो ये भी इनर रेडियस होता है, यहां से जब आप लंब खींचोगे तो ये भी इनर रेडियस। तो हमेशा आप इसको सेंटर लेकर इस रेडियस पर अगर एक सर्कल बनाया जाए तो तीनों के तीनों साइड्स को टच करता है, इसी को हम कहते हैं इन सर्कल या अंतः वृत्त। इसी के केंद्र को हम कहेंगे इन सेंटर या अंतः वृत्त का केंद्र यानी अंतः केंद्र। बात समझ में आ गया यहां पर? तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी होता है, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल में भी होता है, ये आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी होता है। समझ में आ गया इन सेंटर क्या है? अब देखिए यहां से
ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, तो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर थोड़ा सा रिजल्ट मैं यहां पर यूज करूंगा। देखिए कोई भी कोण आप बना लीजिए, ये एबीसी एक कोण है, ठीक है, एंगल है। यहां से जब मैं एक एंगल बायसेक्टर बनाऊं, ये बीडी जो है क्या है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बायसेक्टर है। इस एंगल बायसेक्टर पे आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर बिंदु पी लिया, इस पी से अगर मैं यहां लंब बनाऊं, इस साइड पर लंब बनाऊं और इस साइड पर लंब बनाऊं, तो ये हमेशा इक्वल होता है, ये पी एस और पी टी इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों, देखिए हमने यहां पर देखा कि ये क्या है भाई, ये है थीटा और ये भी थीटा है, ये दोनों कोण आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बी पी एस और बी पी टी दोनों के दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कोण को बराबर बराबर कर दिया, ये थीटा ये थीटा, एक 90 डिग्री तो दूसरा भी 90 डिग्री, करेक्ट, और तीसरे एंगल दोनों के दोनों सेम है यहां पर, मतलब तीनों एंगल तो सेम होगा। साथ में ये जो बीपी बीपी है दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ए एस ए से, तो आप जानते हैं कि ये पी एस और पी टी बराबर होगा। बात समझ में आ रही, तो आप एक स्टेटमेंट लिखना कि आप एंगल बायसेक्टर पर कोई भी बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु ले लें, तो वो दोनों के दोनों यहां पर जो इसके एंगल एंगल के जो भुजाएं हैं उससे बराबर की दूरी पर रहता है वो बिंदु, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्टेंस सेम रहेगा। उसी प्रकार अगर मैं P1 ले लूं तो P1 T1 और P1 S1 ये दोनों डिस्टेंस भी सेम रहेगा। सेम तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जब हमने एंगल बायसेक्टर को मिला दिया तो तीनों एंगल बायसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। अब इस एक ही पॉइंट से जब आप लंब बना देंगे तो वही लंब जो है इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होगा सारे के सारे साइड से। तो इसको सेंटर लेकर, इसको केंद्र लेकर जब आप त्रिज्या इस परपेंडिकुलर को लेकर एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल तीनों के तीनों साइड्स को टच होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इन सेंटर का। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या, यानी कि इन रेडियस। इसको क्या कहते हैं, इन रेडियस, नोट डाउन कर लीजिएगा। आर का मतलब होता है इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं यहां से आपको कुछ प्रॉपर्टीज नोट डाउन करवाता हूं। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लेना, एंगल बायसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज आर इंटू एस। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है आर मल्टीप्लाइड बाय एस। एस एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप है एस, और आर क्या है, इन रेडियस। तो पहला आपको जो पॉइंट याद रखना है इन रेडियस में वो है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो कर लो, और इसमें आप यहां से आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका जो है एरिया निकल के आ जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट भाई, अगर आपको तीनों के तीनों हाइट दिए हैं, किसी त्रिभुज के हाइट मतलब कि लंब का लंबाई दिया हुआ है H1, इसका H2, इसका H3, तीनों के तीनों H1 H2 H3 दिया है, तो 1/r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया इन रेडियस। चलिए दो फॉर्मूला हमने देख लिया। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। देखिए आई आई और आई मतलब तीनों के तीनों यहां इन सेंटर पर जो एंगल बनते हैं, ठीक है, इन सेंटर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इन सेंटर पर जो एंगल बनता है ये बी आई सी एंगल, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है आपको। यदि आपको बी आई सी एंगल निकालना है तो ये बी आई सी हो जाता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा, इस एंगल ए का आधा कर लेना और 90 डिग्री में इसको जोड़ देना, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा कर लोगे तो यहां पर बी आई सी निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको यहां दूसरा कोण चाहिए जो है यहां पर ए आई सी, ये वाला कोण चाहिए ए आई सी। देखिए आपने ए और सी से सेंटर को जोड़ा तो ए और सी को छोड़ के तीसरा एंगल कौन सा बचा, बी बचा। इस बार क्या करना, ए आई सी चाहिए तो 90 डिग्री में बी बाय 2 जोड़ देना तो यहां पर ए आई सी आएगा। अब ए आई बी एंगल कहां है, ए आई बी ये वाला एंगल है, तो ये ए और बी को मिलाकर यहां पर बन रहा है, तो इसको ए और बी को छोड़ के सी बचता है, 90 डिग्री प्लस सी बाय 2 करोगे तो ए आई बी जो है इसका इन सेंटर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। इन सेंटर पर जो भी एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले एंगल का आधा होता है। इसको बढ़िया से नोट बनाइए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एसएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब देखिए कभी कभी एक्स सेंटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैसा इन सेंटर है वैसा एक्स सेंटर भी होता है। एक्स सेंटर का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा समझिए। एक्स सेंटर का मतलब यह है कि जब आप यहां पर एबीसी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एबी को बढ़ाया यहां पर पी तक, एसी को बढ़ाया यहां पर क्यू तक, एबी को मैंने बढ़ाया पी तक, एसी को बढ़ाया मैंने क्यू तक, तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बन गया कि नहीं। एक्सटीरियर एंगल का जब बायसेक्टर होता है, एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर जो होता है ये यहां पर मिलता है पॉइंट ई पर,
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, दोनों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जो है यहां पर ई पॉइंट पर मिल गया। तो जब आपको ये एंगल निकालना है एंगल बी ई सी, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने बी और सी के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बनाया, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री में इस एंगल को आधा करके माइनस कर देना। तो बी आई सी अंदर में बन रहा है तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू, लेकिन अगर आप एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो यह एक्स सेंटर कहलाता है, और एक्स सेंटर का जब भी आपको यहां पर पॉइंट से एंगल बनाना, एंगल का वैल्यू निकालना है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू होता है। क्लियर? अगर इन दोनों को एक्सटेंड करके एंगल ए और एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल को हम उस तरफ, वहां पे बनेगा एक्स सेंटर जो इस साइड का बनता है, ए साइड का बनता है, तो इस तरफ बनेगा, बी साइड का एक्स सेंटर उस तरफ बनेगा ए सी के बाहर, ठीक है। तो ये वाला एक्स सेंटर में अगर ए ए सी चाहिए तो अब 90 डिग्री माइनस बी बाई टू हो जाएगा, इन सेंटर में प्लस बी बाई टू। उसी तरह से अगर इस तरफ ए और बी के एंगल बाइसेक्टर को, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो यहां कहीं पर जाके मिलेगा, और यहां पर जो ए ई बी एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू होगा। यहां तक बातें क्लियर? चलिए अब देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका इन रेडियस होता है, इसको डायरेक्टली निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसमें अगर मैं एक इन रेडियस इस तरीके से बना लूं, इन सर्कल इस तरीके से बना लूं, तो यहां पर जो रेडियस होता है आर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस माइनस एच। एस माइनस एच, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, पी प्लस बी प्लस एच बाई टू, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। और यहां पर अगर आप इसमें s का वैल्यू डाल दें, p प्लस बी प्लस एच बाई टू, तो यहां पर p प्लस बी माइनस एच बाई टू डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होता है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रायंगल है 3 4 5 3 4 5, आपको निकालना है इसके इन रेडियस का वैल्यू, ठीक है, इसके इन रेडियस का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका इन रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई टू। तो यहां पर 3 + 4 7 माइनस 5 हो गया 2, 5 हो गया 2, और यहां 2/2 है, तो एक रेडियस हो जाएगा, एक सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा इस ट्रायंगल का। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस कैसे निकालना है, समझ में आ गया? चलिए अब कुछ एक दो बातें और यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इन रेडियस से, यानी कि इन सेंटर से जो कोण बना है, एंगल बायसेक्टर को सीधा सीधा आप नीचे तक यहां पर खींच लें एडी, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए आई तक इसको खींच रहे थे, लेकिन यहां पर आने के बाद इससे एक लंब हम बनाते थे, तो वो अलग था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम एंगल बाइसेक्टर को सीधा सीधा नीचे तक जोड़ के यहां पर पॉइंट डी पर मिला दे रहे हैं, बी आई को बढ़ाकर ई तक और सी आई को बढ़ाकर एफ तक। इस बात को थोड़ा सा गहराई से आप समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी का रेशियो अगर चाहिए आपको, किसका रेशियो चाहिए, ए आई बटा आई डी चाहिए, तो बी प्लस सी बाई ए होगा। ग्राफिकली समझेंगे चीजों को तो बहुत आसान रहेगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, आपको यहां पर एंगल बाइसेक्टर ए से जो निकला उसमें ए आई बटा आई डी चाहिए, करेक्ट। तो ए से निकले हुए दो साइड्स कौन कौन से थे, सी था और बी था, तो सी प्लस बी कर लेना और इसको ए से डिवाइड कर लेना, तो यही इसका रेशियो होगा। अगर यहां से बी से निकले हुए एंगल बाइसेक्टर बी आई बटा आई डी आई ई चाहिए, तो बी आई बटा आई ई क्या करना होगा, बी से निकले हुए दो साइड्स देखिए, एक सी है एक है, तो सी प्लस ए कर लेना और डिवाइडेड बाय बी कर लेना। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से सी से निकला हुआ जो यहां पर एंगल बाय सेक्टर है, सी आई बाई आई एफ निकालना है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा इसका वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गई बातें? चलिए एक आखिरी प्रॉपर्टी और, जब भी आप इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, इसके विकर्ण को हमने मिला दिया, अब इसका इन सेंटर यहां, इसका इन सर्कल एक बनेगा अलग, इसका इन सर्कल एक अलग बनेगा। सवाल अगर आपको इसके लेंथ को के ऊपर आ जाए, मतलब जहां पर ये दोनों सर्कल इसके विकर्ण को छू रहे हैं, ठीक है, जहां पर विकर्ण को स्पर्श कर रहे हैं, यहां पर अगर इसके लंबाई के ऊपर सवाल आ गया तो क्या करना होगा, ए प्लस बी को जोड़ लेना, ऑपोजिट साइड्स को जोड़ लेना, ए प्लस बी को एक बार जोड़ लेना, सी प्लस डी को एक बार जोड़ देना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसका मॉड्यूलस वैल्यू लेना और बटा दो कर देना। मॉड्यूलस का मतलब माइनस तीन आया तो मॉड्यूलस वैल्यू तीन होगा, अगर तीन आया तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू भी तीन होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट वाले को जोड़ देना है, सी डी को जोड़ दोगे, ए बी को जोड़ दोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, जो मॉड्यूलस वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू होगा, उसी को आप लेंगे, डिवाइडेड बाय टू कर लेना, तो यहां पर पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम यहां से इन सेंटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, जितना थ्योरी मैंने आपको लिखाया अभी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अब हम करना चालू करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 168/13, 168/5 और 12 सेंटीमीटर, तो आपको इन रेडियस निकालना है। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करिए, 1/r बराबर होता है, अगर ऑल्टीट्यूड दिया है तो 1/h1 + 1/h2 + 1/h3, इस फॉर्मूले को आप बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। चलिए तो 1/r निकालना था हमें,
तो 1 बाय आर इसका उल्टा करना होगा तो 13 बटे 168 प्लस 15 बटे 168 प्लस 1 बटे 12, यही इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो अगर पहले इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ 168 है, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो ये बन जाएगा भाई 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, करेक्ट। 28 से इसको काटते हैं, तो 28 से सपोज करिए कि अगर ये 6 टाइम्स तो पूरा कट जाएगा ना, 1/6 टाइम्स। चलिए अगर इसको मैं पहले 14 से काटूँ, तो 14 से दो बार कट रहा है, ये 14 से एक बार और यहाँ दो बार, मतलब 2/12 हो गया। तो 12/12 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 2+1 हो गया 3, तो 3 से इसको काटोगे तो 4 आ रहा है, मतलब 1 रेडियस कितना आ गया, 4 आ गया। तो इन रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट उत्तर है इसका। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये सवाल डायरेक्टली आपके जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ये कैसे यूज करना है आपको समझ में आया होगा। तीनों अल्टीट्यूड्स दिया है और आपको इन रेडियस निकालना है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 से इन रेडियस निकल जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR जो है 90 डिग्री है, PQ बराबर 10 है और PR बराबर 26 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन रेडियस। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक, और ये P है, ये Q है, ये R है। इसके बाद आपको यहाँ पर PQ का वैल्यू 10 दिया है, PR का वैल्यू 26 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 24 होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई, ट्रिपलेट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और यहाँ पर आपके जैसे ही आपने देखा सवाल, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। आपने देखा 10 है और 26 है, 10 और 26 का रेशियो यदि मैं ले लूँ तो 5 और 13 आएगा। क्या हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के पहले या दूसरे वीडियो में, हमने डिस्कशन किया है ट्रिपलेट वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल का, कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल हमने डिस्कशन किया। ये 5 का दुगना हुआ तो ये भी 13 जो इसका दुगना है, और सबसे बड़ा साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि यहाँ 26 था, तो ये भी इसका दुगना हो जाएगा, मतलब बीच का जो वैल्यू छूट गया वो 24 हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई, तो ये ट्रिपलेट वैल्यू है। और इस कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है तो सही तरीका क्या है, आपको बस यहाँ पर 10 + 24 करना है, 10 + 24 माइनस का 26 करना होता है, डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ये 8/2 हो जाएगा, मतलब कि 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है SSC का, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चन SSC का इसलिए क्योंकि आसान होने के बावजूद बार बार रिपीटेटिव तरीके से ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी ना किसी के शिफ्ट में जरूर ये सवाल आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर कि एक ट्रायंगल PQR है, दिया हुआ है, PQR यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पर S जो है, यहाँ पर PSR एंगल बता रहा है आपको, PSR मतलब PS और R, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 125 डिग्री। आपको कौन सा निकालना है, PQR निकालना है। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये वाले एंगल को आप देखिए, ये 90 डिग्री में 35 ज्यादा है, 35 डिग्री ज्यादा है, तो 35 का दुगना यानी 70 डिग्री ही तो होगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए भाई, इन सेंटर एंगल PSR का मतलब होता क्या, एंगल PSR जब भी अंतः केंद्र पर जो कोण बना, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले कोण का आधा, ये हमने डिस्कशन किया था। तो मैंने ये देखा कि ये जो 125 डिग्री है, 90 में 35 ज्यादा है, और ये 35 ज्यादा क्या है, ये एंगल Q/2 है। तो मैंने क्या किया, इसका दुगना कर दिया और 35 का दुगना यहां 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार SSC में पूछा जाता है, तो जरूरी है आप इस चीज को जान लीजिए, हालांकि बहुत आसान है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर। देखिए भाई, एक फॉर्मूला हमने जो देखा कि एरिया क्या होता है, अंतः केंद्र और यहां पर इसका जो परिमाप है, अर्ध परिमाप के गुणनफल के बराबर होता है। आपको तो बता दिया गया कि क्षेत्रफल 15 है, और आपको बता दिया कि इसकी अंतः त्रिज्या जो है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो यहां से अर्ध परिमाप निकलेगा कि नहीं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप है, लेकिन आपको तो परिमाप निकालने को बोला ना, परिमाप नहीं है ये, एस परिमाप नहीं होता, एस होता है अर्ध परिमाप। तो पूर्ण परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप अगर आपको निकालना है तो ये होता है भाई 2s, मतलब इसका दुगना कर देना, 10 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में कई बार गलती भी हो जाता है, लेकिन ये अर्ध परिमाप है, 5 सेंटीमीटर, इस तरीके के सवाल में 5 सेंटीमीटर को टिक करने की गलती मत करना। ठीक है, तो बहुत
कामली भी आपको करना है, स्पीड भी जरूरी है, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू इफ बाइसेक्टर्स ऑफ पी बी सी क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट ओ एंगल ए इज 92, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओ सी। देखिए मौखिक रूप से आप इसको एच इसका आधा कर लीजिए तो कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री माइनस इसका आधा होता है, मतलब 44 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया घबराइए मत, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ए बी सी एक ट्रायंगल बोला गया पहले आपको, ए बी सी, फिर बोल रहा है ए बी और ए सी को हम बढ़ाते हैं पी और क्यू तक, तो पी तक इसको बढ़ाया, इसको क्यू तक बढ़ाया, यहां तक क्लियर। इसके बाद बोल रहा है पी बी सी, पी बी सी मतलब ये वाला कोण, फिर बोल रहा है क्यू सी बी मतलब ये वाला कोण, इन दोनों कोण को आप यहां से एंगल बायसेक्टर इस तरीके से आप इसको काटेंगे। ठीक है, एंगल बायसेक्टर मतलब इन दोनों के एंगल बायसेक्टर जो है, यहां से एक एंगल बायसेक्टर, यहां से एक एंगल बायसेक्टर, ये कहां पर मिलता है ऊपर। तो आपको बताया गया है कि इसका वैल्यू निकालिए जब इसका वैल्यू 92 डिग्री है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बीओसी को निकालना, हमने फॉर्मूला तो देख ही लिया, बीओसी क्या होता है, जब अंदर वाला जो अंतः केंद्र है उसकी बारे में बात हो रही है तो यहां पर ये 90 डिग्री प्लस होता है, लेकिन जब बाहर वाले कोण की बारी आती तो माइनस ऑफ एंगल ए बाय टू होगा। वही मैंने यहां पर बताया कि 90 डिग्री है, इस 92 का आधा होता है 46, 46 डिग्री, इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 44 डिग्री का। अब समझ में आया मौखिक रूप से इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, ए बी 7 है, ए सी 8 है, बी सी 6 है, तो आपको बताना है ए आई बाई आई डी का वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें बोला गया है कि एडी जो है, ठीक है, एडी ए कोण का अर्धक है, मतलब यहां पर एडी यहां पर जाके मिलेगा। आई जो है, आई इन सेंटर है, ये मेंशन्ड है यहां पर, आई जो है इन सेंटर है। ठीक है, यहां पर यदि आई अंतः केंद्र है, यहां पर आई मेंशन होना चाहिए, आई अंतः केंद्र है तो ये आई हो गया। आपको क्या निकालने को बोला गया, आपको निकालना है ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी। ठीक है, तो यहां पर ए बी का वैल्यू 7 है, तो ये ए बी का वैल्यू है 7। ठीक है, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है 6, और किसका वैल्यू दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए सी का वैल्यू जो कि है 8। आपको निकालना है भाई ए आई बाई आई डी, क्या हमने डिस्कस किया था ए आई बाई आई डी का वैल्यू कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। यहां से निकले हुए दो साइड को देखिए, ये 7 है, ये 8 है, 7 प्लस 8 पहले कर लोगे, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय यहां से 6 कर लेना, तो ये क्या होगा, 7 प्लस 8 हो गया 15, डिवाइडेड बाय 6 कर लोगे, 3 से काटने पर कितना आ रहा है, 3 से काटने पर आएगा, ऊपर वाला वैल्यू बन जाएगा 5, नीचे वाला वैल्यू बन जाएगा 2, 5/2। ठीक है, तो जो सी है सवाल का सही उत्तर है, यहां तक क्लियर। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट को आप याद रखिए, प्रीलिम्स में इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक और सवाल अंतः केंद्र का देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है आपको पीक्यू का वैल्यू निकालना, पीक्यू का वैल्यू निकालना। इस डायग्राम को मैंने आपको बताया है, कभी भी क्वाड्रिलेटरल में विकर्ण जोड़ दिया जाए, यहां पर एक इन सेंटर, यहां पर एक इन सेंटर जो है, इन सर्कल जो है, इस विकर्ण को दो पॉइंट पर मिल रहा है पीक्यू पर। पीक्यू निकालने को बोला गया तो क्या करोगे, 9 और 15 को जोड़ देना, 9 प्लस 15 कितना हो गया, 24, और इसको माइनस कर लेना 12 प्लस 8 से। ठीक है, और इसका आपको मॉड्यूलस वैल्यू लेकर आधा करना होगा, तब आपका पीक्यू वैल्यू आ जाएगा यहां पर, तब आपका पीक्यू वैल्यू यहां से आ जाएगा। तो बताइए भाई कितना हुआ, ये हो जाएगा 24 माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4/2, वैल्यू कितना हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो पीक्यू का वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर रेडियस। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का मान बताना है। तो देखिए कभी भी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इस बात का नोट बना के रखिएगा, ए बी सी अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको यहां पर अंतः त्रिज्या निकालने को बोल रहा है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इन रेडियस जो होता है, ये इन रेडियस है और ये आपका साइड है ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स ए हो जाते हैं, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। सम बाहु त्रिभुज है ये, सम बाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो इन रेडियस होता है,
ये a डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 होता है, a डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 होता है। और अगर आप यहां पर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 10 बटा 2 रूट 3 होगा इसका वैल्यू, 2 से इसको काट दिया जाए तो 5 आ जाएगा, 5 बाय रूट 3 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 5 बाय रूट 3। तो ए इस सवाल का उत्तर है। अब फॉर्मूला भी अगर आ गया घबराइए मत, मैं आपको यहां पर समझा भी देता हूं। देखिए पिछले वीडियो में हमने आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया था कि वहां पर आइसोसेलस ट्रायंगल में जब दो इक्वल वाले साइड से हम यहां पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वही परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर बन जाता है और वही परपेंडिकुलर आपका मीडियन भी बन जाता है। तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल से एक स्टेप आगे है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर ये दोनों साइड होने के साथ साथ इक्वल होने के साथ साथ तीसरा साइड भी इक्वल है। ऐसे कंडीशन में यहां से जब आप एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो यही परपेंडिकुलर आपका मीडियन भी हो जाता है, यानी माध्य का, यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाता है, सब कुछ यही हो जाता है। मतलब ये जो है आपका इन सेंटर होने के साथ साथ सरकम सेंटर भी हो जाता है, यही आपका सेंट्रॉइड भी हो जाता है और यही आपका ऑर्थो सेंटर भी हो जाता है। सारे के सारे सेंटर एक पॉइंट पर लाई करते हैं। अब मैं आपको सरकम सेंटर भी समझाऊंगा, सेंट्रॉइड भी समझाऊंगा, लेकिन एक बात को समझ के रखिए कि सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये सेंट्रॉइड यानी केंद्रक की प्रॉपर्टी होती है कि ये मीडियन को 2:1 में बांटता है। किस में बांटता है? 2:1 में बांटता है। और जब ये सरकम सेंटर हो गया तो सरकम सेंटर से जो ये दूरी होती है OA जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सरकम रेडियस कहते हैं। तो यहां पर आप लिखना कि R बटा R जो होता है, यानी कैपिटल R बटा स्मॉल R जो है, 2:1 होता है। यहां तक समझ में आ गया? और अगर ये यही आपका हाइट भी है, यही आपका हाइट भी है, तो अगर आप यहां साइन 60 डिग्री डालेंगे, ये 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री आप डालोगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो हाइट है वो बराबर हो जाएगा a√3/2। तो हाइट का वैल्यू हमने निकाल दिया a√3/2। दूसरी बात, हमें ये पता चल गया कि ये जो है अनुपात 2:1 है, 2:1 है, और इसी के तहत आप यहां पर अगर इन रेडियस निकालेंगे तो इन रेडियस हो जाएगा 1/3, क्योंकि अगर 2:1 में बट रहा है ना, तो ये 2:1 मतलब ये 1/3 होगा। 1/3 किसका? इसका a√3/2 का। और आप देख सकते हैं इससे आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया यही फॉर्मूला आएगा। यदि आपको यहां पर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिकेंद्र निकालने को बोला गया तो परित्रिज्या निकालने को बोला गया, परित्रिज्या हो जाता है r बराबर a/√3। यह इसलिए हुआ क्योंकि अब जब यहां पर बोल दिया गया कि यह 2:1 है तो यह 2/3 होगा, किसका? हाइट का। तो हाइट का 2/3 वैल्यू निकालोगे तो यहां से a/√3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बातें? तो कुछ चीजें मैं यहां पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूं, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन करिएगा। इसी के तहत थोड़ा सा मैंने आपको सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र के बारे में बता दिया है। अब इसके डिटेल में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ कि सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र होता क्या है। तो ये है भाई आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब क्या है? देखिए अभी जो इन सेंटर था ना, वो इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल हमेशा बन ही सकता है कि वो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे। लेकिन जब सरकम सेंटर की बात होती है, सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त का मतलब एक ऐसा सर्कल होता है जो इन तीनों के तीनों ट्रायंगल्स के बिंदुओं को यानी कोण वाले पॉइंट से बिंदुओं से ये पास हो। हमेशा एक सर्कल जरूर आप बना सकते हैं, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये है भाई आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान ये देना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र जो होता है वो सर्कल के सेंटर मतलब कि अंदर रहता है ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है, ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है। अगले वीडियो में मैं सर्कल चालू करूंगा, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट करके पढ़िए चीजों को तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री हुआ तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है यही आपका परिकेंद्र बन जाता है। ठीक, जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ तो परिकेंद्र बाहर चला जाता है ट्रायंगल के, मतलब जहां ऑब्ट्यूस एंगल है उसके ऑपोजिट साइड में बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब परित्रिज्या क्या है? परित्रिज्या मतलब सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है भाई आपका सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस का मतलब है कि आपने सरकम सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ दिया ओ ए, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों के तीनों सरकम रेडियस होते हैं। यहां से आप देख रहे हैं, यहां OA बराबर OB बराबर OC होता है। मतलब
अगर ये भी आर है, ये भी आर है, पूरा का पूरा हाइपोटेन्यूज का आधा कर दोगे राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का आधा ही सरकम रेडियस होता है। कई बार आपको यहाँ पर ऐसा सवाल पूछेगा कि हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से इस 90 डिग्री वाले एंगल तक का जो लेंथ है वो क्या है। अरे भाई ये भी तो आपका सरकम रेडियस ही है, तो ये भी आपका सरकम रेडियस ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, बहुत सारा तरीका है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसको याद रखिए। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में तो सरकम सेंटर जो है वो आपके ट्रायंगल के बाहर ही चला जाता है, लेकिन ओ ए ओ बी ओ सी इसमें भी होते हैं, तीनों के तीनों आपके रेडियस हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसको गहराई से समझ लेते हैं चीजों को। देखिए भाई सरकम सेंटर होता क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि लंब और साथ में द्विभाजक जो हो भुजाओं का, ये जहां पर जाके मिलते हैं उसी पॉइंट को सरकम सेंटर कहते हैं। देखिए समझिए, यहां से अगर मैं एक लाइन बना दूं ए बी, ए बी मैंने एक लाइन बना दिया, इसके मध्य बिंदु से, इसके मिड पॉइंट से मान लिया जाए ये एम है, पॉइंट है। मैं एक लंब बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ओ एम है, ठीक है। कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, इस लंब भी ये क्या है, एक तरीके से लंब भी है और इसको बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो ओ एम को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि आप इस हिंदी वाले लिखेंगे ए बी का लंब द्विभाजक है। लंब द्विभाजक इसलिए क्योंकि लंब तो है 90 डिग्री, साथ में द्विभाजक है। इस लाइन पर आप कोई भी दो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, अपने मर्जी का कोई भी पॉइंट, जैसे कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, कहीं पर भी रुक जाएंगे, यहां रुक गए, कहीं भी रुक गए, तो ये एक पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से जब आप देखेंगे तो पी ए और पी ई हमेशा इक्वल होता है, पी ए और पी बी जो होता है हमेशा इक्वल होता है। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये पॉइंट दोनों के दोनों साइड के एंड से, मतलब इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये चीजें जो है आपके कॉन्ग्रुएंसी से फिर से प्रूव हो सकता है। पिछले वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया था, पढ़ा था, उसी चीज के तहत थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ये ए एम बराबर एम बी है, करेक्ट, ए एम बराबर एम बी है, साथ में ये जो पी एम है, पी एम है दोनों साइड में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये एम बी है, और ए एम बराबर एम बी, पी एम पी एम बराबर, और एंगल ए एम पी बराबर एंगल बी एम पी, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल पी ए एम, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी एम, सर्वांग समता लग गई यहां पर, पी बी एम सर्वांग समता लग गई। अगर सर्वांग समता लग गई तो यहां पर सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी के तहत पी ए और पी बी इक्वल होंगे, ठीक। तो यहीं से बनता है आपका सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट, यानी कि सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिल गए उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों के तीनों साइड से जब आप मिला लें, ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने यहां से भी लिया और मिलाया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया यहां मिलाया, ठीक, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया यहां मिलाया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया यहां मिलाया। जैसे ही आप तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आप मिला देते हैं तो आपको समझना होगा कि यहां से लेकर ओबी से लेकर ओसी तक का लेंथ सेम होगा, और ओसी से लेकर ओए का लेंथ भी सेम होगा, जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखा उसके तहत ओबी से लेकर ओए का लेंथ भी सेम होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि ओए बराबर है ओबी बराबर है ओसी, मतलब चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल बना ले, ये हमेशा पॉसिबल होगा, एक सेंटर ऐसा आएगा जो ओ ए ओ बी ओ सी से तीनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, और इसी डिस्टेंस को हम सरकम रेडियस कहते हैं। ये क्या होता है, सरकम रेडियस है, और ये जो सेंटर है सरकम सेंटर है, और सरकम सेंटर से आप यहां पर सरकम रेडियस लेकर एक सर्कल बनाएंगे तो तीनों बिंदुओं से पार होगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा सरकम रेडियस का मतलब क्या है और ये क्यों बना, कैसे बना, ठीक है। तो दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्सेप्ट वाइज इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कम सेंटर जो सेकंड पार्ट था इस वीडियो का उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब द्विभाजक जहां पर मिलते हैं वहीं पर आपका जो है परिकेंद्र होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहां से पहला प्रॉपर्टी एंगल बीओसी का, यानी कि लंब केंद्र पर जितने भी पॉइंट होते हैं जहां पर जो एंगल बनते हैं, एंगल बीओसी होगा तो ये ए का दुगना होगा।
अगले वीडियो में मैं एंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा सर्कल्स का, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगा वहाँ पे भी। अभी के लिए बस नोट डाउन करके रखिए कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ऊपर वाले एंगल का दुगना होता है, एंगल ए का दुगना करोगे तो यहाँ बी ओ सी आएगा। ए ओ सी की बात हो रही है तो ए और सी ने मिलकर सेंटर पर बनाया, तो यहाँ पर जो तीसरा एंगल है एंगल बी का दुगना कर देना तो आ जाएगा ये, क्लियर। ए ओ बी निकालना है तो ए और बी ने मिलकर बनाया, तो यहां से आप इसको दुगना कर देंगे, एंगल सी को दुगना कर देंगे तो ए ओ बी निकल जाएगा, क्लियर है। सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनता है, यहां 90 डिग्री वाला कोई भी यहां पर आपको चीजें नहीं लेना है जो हम इन सेंटर में देख रहे थे, यहां डायरेक्टली सी का दुगना ए ओ बी, बी का दुगना ए ओ सी और ए का दुगना ए बी ओ सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर नोट डाउन कर लेना कि आपको मैंने साइन रूल में बताया था वहां पर ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू टू आर, ये मैंने आपको वहां लिखवा के रखा था। अगर आपने सारे वीडियोस देखा है तो वहां पर मैंने बताया था आर सर्कम रेडियस होता है। आज आपको बात समझ में आ जाएगी क्योंकि देखिए मैंने यहां पर जो ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लाइएगा, ठीक है। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया और ये भी आर है, ये भी आर है, ये पूरा एंगल जो होता है ट्वाइस ए होता है, टू ए। और अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि ये ओ डी बी और ओ डी सी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपने समझ लिया। साथ में अगर ये पूरा एंगल टू ए है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये एंगल भी ए होगा, ये एंगल भी होगा। तो अगर आप साइन ए लगा लें, यहां पर साइन ए अगर आप लगा लेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय, यानी ये ए बाय टू होगा ना, ए बाय टू होगा, ये भी ए बाय टू होगा, तो a by 2 divided by r, इससे आपको समझ में आ जाएगा a बराबर 2r sin a होता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा a बराबर 2r sin a होता है। और a by sin a बराबर 2r, b by sin b बराबर 2r, c by sin c बराबर 2r होता है। ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि sin रूल कैसे बना है, क्लियर। वीडियो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको यहां बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है जब आप लाइक करके सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको और बेहतर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि साइन रूल में मैंने जो बातें बताई थी वो ऐसा क्यों है, वो आपको आज समझ में जरूर आ गया होगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, अगर आपको ए मतलब कि एक साइड और एंगल दे दिया जाए तो आप वहां से सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। सर्कम रेडियस निकालने के अलग अलग तरीके, अगर आपको एंगल ए दे दिया ये वाला साइड दे दिया तो आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं, अगर आपको एंगल बी दे दिया ये वाला साइड दे दिया आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं, एंगल सी दे दिया साइड सी दे दिया तो आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि ए बराबर टू आर साइन ए, बी बराबर टू आर साइन बी, सी बराबर टू आर साइन सी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी बाय फोर डेल्टा, जिसमें डेल्टा है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ट्रायंगल के एरिया को निकालने के, ठीक है। साइन रूल से भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ज्योमेट्री में अच्छे से कवर किया है पिछले वीडियोस में। एक बार आपने एरिया निकाल दिया किसी भी ट्रायंगल का और आपके पास तीनों साइड है तो ए बी सी डिवाइडेड बाय फोर डेल्टा करने पर, फोर डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपका सर्कम रेडियस निकल जाता है। तो एक तरीका सर्कम रेडियस निकालने का ये है जब एंगल और साइड दिया हो, दूसरा तरीका ये है तीनों के तीनों साइड दिए तो किसी भी तरीके से आप एरिया निकाल लीजिए और ए बी सी डिवाइडेड बाय फोर डेल्टा से आपका निकल जाएगा सर्कम रेडियस, ठीक है। अगर ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है, इसको आप फिर से नोट डाउन कर लेना बड़े बड़े अक्षरों में कि हाइपोटेन्यूज का आधा सर्कम रेडियस होता है। हाइपोटेन्यूज का आधा कहां पर, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का आधा सर्कम रेडियस होता है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर बन जाता है। ऐसे केस में हाइपोटेन्यूज का आधा जो होता है वो सर्कम रेडियस होता है, क्लियर। किसी भी ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और सर्कम सेंटर होगा, यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, सर्कम सेंटर और सर्कम डिस्टेंस बिटवीन आप लिखना सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, यानी कि परिकेंद्र, हिंदी वाले लिखेंगे परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी के बीच की दूरी
यदि हमें निकालनी है। तो ये होता है भाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू आर इंटू आर का स्क्वायर रूट। तो ओ अगर सरकम सेंटर है, आई आपका इन सेंटर है, इन दोनों के बीच की दूरी है सरकम रेडियस, आर होता है सरकम रेडियस, स्मॉल आर होता है कैपिटल आर है सरकम रेडियस, स्मॉल आर है इन रेडियस, आर स्क्वायर माइनस टू आर इंटू आर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये रेडियस दोनों मतलब सरकम सेंटर सरकम और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको बता देता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं सरकम सेंटर के। तो इस सवाल में दिया हुआ है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल जिसमें एबी बराबर एसी बराबर यहां पर 12√5 है। ठीक है, एबीसी किसी वृत्त में अंकित विषमभुज त्रिकोण है। चलिए ठीक है, और साथ में आपको बोला गया है यहां पर एबी और एसी जो है बराबर है, एबी और एसी बराबर है, तो ये एबीसी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये 12√5 है, ये भी 12√5 है, और साथ में जो बीसी है 24 है 24 है। ठीक है, आपको बताना है इसका रेडियस क्या है। तो देखिए कैसे भी करके आपको पता है रेडियस जो होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा होता है। तो किसी भी तरीके से आप इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकालने के तरीके अनेक हैं। आप चाहें तो यहां से ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा यहां पर कितना है। ठीक है, तो आप जानते हैं मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया है। ठीक है, एक्चुअली आपको यहां पर जो सर्कल इस तरीके से बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर है ये, इस सर्कल का रेडियस निकालना है, तो सर्कल का रेडियस वही होगा जो सर्कल का रेडियस होगा। तो सिंपल है, सर्कम सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला एबीसी बाय 4 डेल्टा होता है। तो इसका एरिया कैसे भी निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया ऑल्टीट्यूड बनाया, ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होता है तो ये 12 हो जाएगा। करेक्ट, तो एडी का वैल्यू निकालना है तो एडी का वैल्यू हो जाएगा 12√5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि भाई एडी डीसी और एसी ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है, तो एडी का वैल्यू हो जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस सीडी का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर दोनों कॉमन है तो 12 के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के बाहर तो ये 12 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस 1 करोगे तो अंदर रूट 4 आ रहा है, रूट 4 मतलब 2 मतलब 24 हो गया। तो इसका हाइट जो है 24 है, हाइट 24 है। तो अब एबीसी का मतलब हो गया 12√5 × 12√5, तो 12 × 12 × 5 में लिख लेता हूं, क्योंकि देखिए 12 × 12√5 × √5 5 हो जाएगा, तीसरा साइड जो है 24 है, ये हो गया एबीसी का वैल्यू। तो तीनों साइड मल्टीप्लाइड बाय 4 / 4, और यहां डेल्टा का मतलब एरिया होता है, एरिया आप निकालना जानते हैं, 1/2 × base × height, तो बेस है 24, हाइट भी है 24, तो एरिया को आप लिख सकते हैं 1/2 × base 24 × height 24। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई कितना आ रहा है, 24 से 24 कट गया, 12 दूनी 24 होता है 4, इसको 12 को 3 बार काटेगा, 3 × 5 होता है 15, तो 15 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस आ जाएगा इस सर्कल का। क्लियर है पहला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 12, 35, 37 है, इसका सर्कम रेडियस बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 12, 35, 37 ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे ही आप देखेंगे 12, 35 और 37, तो 37 जो होता है इसका हाइपोटन्यूज होता है, और मैंने आपको बता रखा है कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसके हाइपोटन्यूज का आधा जो होगा यही आपका सर्कम रेडियस होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है। तो 37 का आधा कितना हो गया, आप कहोगे 18.5, तो ये डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं बताया, लेकिन आपको समझना होगा कि 12, 35, 37 जो है ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो 37 का आधा करेंगे वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एबी एसी और इसका वैल्यू दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है लेकिन एबी एसी और बीसी का वैल्यू दिया है, तो 16, 63, 16, 63, 65 क्या इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है कि ट्रिपलेट है तो 90 डिग्री होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, बीसी का वैल्यू यहां पर जो है ये बीसी है, अच्छा एबी का वैल्यू है 16, तो ए बी और सी इस तरीके से बना लेते हैं, एसी का वैल्यू 63 है। ठीक है, ए से भुजा के मध्य बिंदु एम को जोड़ा जाता है, तो यहां पर इस बीसी भुजा के मध्य बिंदु को जब आप जोड़ेंगे तो यही तो सरकम रेडियस होता है, और सरकम रेडियस का वैल्यू अभी अभी हमने देखा, क्योंकि देखिए भाई आप मध्य बिंदु से जोड़ रहे हैं किसको, ए को, और यहां से आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होता है यही सरकम रेडियस होता है, ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस, ओ बी ओ ए और ओ सी तीनों के तीनों सरकम रेडियस है, ऐसा जब भी होता है तो 90 डिग्री ही बनता है,
तो यहां से AO का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, M M पॉइंट दे दिया है इसको, AM का पॉइंट लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो सर्कम रेडियस होगा जो कि 62 का आधा होता है 32.5, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल में सेंटर का पोजीशन होता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, और आप यहां ए भुजा से बीसी के मध्य बिंदु को जोड़ रहे हैं एएम से, तो यहां पर एएम जो है कुछ और नहीं होगा बल्कि इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस हो जाएगा, परित्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए बराबर 65, सी बराबर 75, तो ओ सरकम सेंटर है, बताना है ओ ए सी का वैल्यू। चलिए ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल, ए बराबर 65, सी बराबर 75, ओ सरकम सेंटर है, तो आपको एंगल ओ ए सी बताना है, ओ से ए जुड़ा और ए से सी जुड़ा, इसका वैल्यू आपको बताना है ये वाला एंगल का। तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ कठिनाई इसमें नहीं है। आपको पहले ये समझना होगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूं तो ये वाला ट्रायंगल में ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, मतलब जितना ओ ए है उतना ओ सी है, क्योंकि ये सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से जितना दूरी ओ ए का होगा उतना दूरी ओ सी का होगा, तो आइसोसेलस ट्रायंगल है। आप बस मुझे इस एंगल का वैल्यू बताइए, इस एंगल का वैल्यू क्या होता है, एंगल ए ओ सी का वैल्यू। आप लोग भली भांति जानते हैं एंगल ए ओ सी जो होगा वो ट्वाइस एंगल बी होगा, तो पहले एंगल बी निकालना जरूरी है। अगर ये 65 है ये 75 है, तो 65 और 75 को जोड़ोगे तो 140 डिग्री होता है। अगर ये 140 डिग्री है तो तीसरा एंगल जो है 180 माइनस 140 डिग्री होगा, मतलब ये 40 डिग्री होगा। ये सारी चीज़ें हमने कई बार देखा है। तो अगर ये 40 है मतलब ये वाला एंगल 80 डिग्री होगा, इसका दुगना, क्लियर। और ये जो ट्रायंगल बनाया हमने ए ओ सी आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो ये दोनों भुजाएं इक्वल है, ये दोनों भुजाएं इक्वल होने से ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में ए ओ सी में 80 डिग्री तो यूज हो गया, बचा कितना, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बचा, जो कि कितना हुआ, 100 डिग्री हुआ। ये 100 डिग्री में दो एंगल है, एक एंगल ओ ए सी जो हमें फाइंड करना है, और दूसरा एंगल ओ सी ए जो यहां पर दूसरा एंगल है, दोनों के दोनों बराबर है। तो 100 डिग्री को बराबर बराबर बांटना है, मतलब यहां पर भी 50 डिग्री देना होगा और यहां पर भी आपको 50 डिग्री देना होगा, मतलब ओ ए सी जो हमें फाइंड करना है ये कुछ और नहीं है, 50 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए जो है वो आपका 8√2 है और एंगल ए दिया हुआ है, तो आपको यहां निकालना क्या है, सरकम रेडियस निकालना है। ए इज इक्वल टू 2R sin, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैंने बताया कभी भी साइड दिया है, एंगल दिया है, तो सर्कम रेडियस निकालना बहुत आसान होता है। ए का वैल्यू 8√2 है, 2 × R × sin 45 डिग्री, साइन 45 का मतलब 1/√2 होता है, 1/√2, तो 2 से अगर मैं इसे काट दूं तो √2 और √2 दोनों काट देंगे, क्योंकि √2 × √2 होता है, 8 जो है ये आपका सरकम रेडियस बन जाएगा। यहां पर बी इस सवाल का सही उत्तर है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल में। इफ द सरकम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 8, इन रेडियस इज 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सरकम रेडियस एंड इन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर और अंतवृत्त की त्रिज्या दिया 3 सेंटीमीटर, परिकेंद्र और अंत केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है। परिकेंद्र मतलब ओ, अंत केंद्र मतलब आई, ओ आई का जो डिस्टेंस होता है इसका वैल्यू होता है कैपिटल R² - 2R × R। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 × 8 × 3, ठीक है, तो 64 माइनस 48 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ 16 आ रहा है डिफरेंस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा सेंटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सेंट्रॉइड केंद्रक। देखिए केंद्रक क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, मीडियंस, मीडियन का मतलब एक ऐसा लाइन जो कि ट्रायंगल को एक ऐसा सीवियन, ठीक है, ABC अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया और BC के मध्य बिंदु अगर यहां पर मान लिया जाए D है तो AD कहलाता है मीडियन। अगर मैं कहूं AC का मध्य बिंदु यहां पर E है, मतलब ये दोनों इक्वल है, EC और EA इक्वल होंगे, तो ये जहां मिलता है ये कहलाएगा मीडियन BE। साथ में यहां पर कहीं पर F पॉइंट होगा, ये F जो होगा AB को बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो जो CF निकलेगा CF बन जाएगा मीडियन। ठीक है, तो जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ गई। ठीक, चलिए
तो देखिए समझिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन यानी कि माध्यिका जहाँ पर मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। यहाँ तक समझ में आ गया। डी ई एफ जो है मिड पॉइंट्स थे, तो बी सी ए सी ए बी जो है यहाँ पर साइड्स के, तो ये सारे जो है मीडियन कहलाते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु पर जाकर जुड़ रहे हैं, और जी जो है सेंट्रोइड कहलाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके हम देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 में काटता है, केंद्रक जो होता है यहाँ पर माध्यिका को 2:1 में बांटता है। पहला पॉइंट मतलब AG by GD बराबर BG by GA बराबर CG by GF बराबर 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैपिटल R by स्मॉल R बराबर 2 होता है, ये मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब बात होगी तो यही सेंट्रॉइड आपका सरकम सेंटर बन जाता है, यही सेंट्रॉइड आपका इन सेंटर बन जाता है, यही आपका ऑर्थो सेंटर बन जाता है। सारी चीजें एक पॉइंट पर आ जाती है क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारी सेंटर्स एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ऐसे में जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका सरकम रेडियस बन जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो बन जाएगा आपका इन रेडियस। तो मीडियन तो ऑलरेडी किसी भी मीडियन को जो है वो 2:1 में काट ही रहा था, तो यहां ऊपर वाला जब आर नीचे वाला स्मॉल आर हो गया तो R/R 2 हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक, साथ में जब आप तीनों मीडियन को यहां पर जोड़ देते हैं पूरी तरह से तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। सारे क्षेत्रफल का एरिया जो है वो इक्वल होता है। इसका अगर एक यूनिट, इसका भी एक 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 एक, सारे के सारे एक एक यूनिट हो जाएंगे। ठीक, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो मैंने आपको थ्योरम सिखाया था, ठीक है, जिसमें कि बेस जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में एरिया बढ़ता है, उस प्रॉपर्टी के तहत आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हम यहां पर तोड़े कि अगर ये सेंट्रॉइड है और हम इस तरीके से इसको तोड़े तो इसका एरिया 1 होगा, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अगर रेशियो यहां 1:1 है तो इसका आधा और इसका आधा एरिया हो जाएगा, बराबर बराबर एरिया हो जाएगा। तो अगर पूरा 2 यूनिट्स है तो 1 यूनिट 1 यूनिट होगा। अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट है तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहां पर है आपके स्क्रीन के ऊपर, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद पेरीमीटर एबीसी इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AG। तो देखिए जी सेंट्रॉइड है किसी ट्रायंगल का एबीसी, जी सेंट्रॉइड है यहां पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो आपको समझना होगा कि यह भी 8 होगा, यह भी 8 होगा, यह भी 8 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होगा वही मीडियन बन जाएगा, तो सेंट्रॉइड यहां कहीं पर लाई करेगा। ठीक है, ये आपका ऑल्टीट्यूड होने के साथ साथ यही मीडियन भी है। तो ऑल्टीट्यूड निकालना है तो हाइट होता है भाई A√3/2। ये हमने कई बार देख लिया क्योंकि आप यहां पर 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री लगाओगे तो यहां H/A आता है, तो H/A√3 लगाओगे, √3/2 आएगा क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो A का वैल्यू यहां 8√3/2 होता है, 2 से इसको काटोगे तो 4√3 बन गया। प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेंट्रॉइड जो है AD का वैल्यू है, ये हाइट है जो कि 4√3। प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेंट्रॉइड जो है इसको 2:1 में बांटता है, तो 2:1 में बांटने का मतलब AG का वैल्यू कुछ और नहीं होगा, 2/3 हो जाएगा किसका, 4√3 का। ठीक है, तो यहां से अगर √3 से इसको काट दिया जाए तो ये बन जाएगा 8/√3। यहां तक क्लियर? दूसरी बात, थोड़ा और तेजी से इसको सॉल्व करना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन रेडियस के ऊपर एक सवाल आपको करवाया था। ये एजी जब निकालने को कह रहा है तो एजी है क्या? एजी ही तो सरकम रेडियस है, क्योंकि भाई जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है तो यही आपका सेंट्रॉइड होता है, यही सरकम सेंटर होता है, यही इन सेंटर होता है, ठीक है, और यही आपका ऑर्थो सेंटर भी हो जाता है। तो जैसे ही सरकम सेंटर हुआ तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा तो कैपिटल आर, नीचे वाला हिस्सा स्मॉल आर। तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाया है कि कैपिटल आर यदि निकालना है यानी सरकम रेडियस निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तो A/√3 कर लेना। तो इस सवाल में एजी निकालने को बोला गया था और एजी कुछ और नहीं है, सरकम रेडियस ही है। तो ए का वैल्यू कितना है, 8 है, 8/√3। तो ये हो गया भाई आपके 5 सेकंड वाला सॉल्यूशन, बस क्वेश्चन पढ़ने की देरी और आंसर मार्क करने की देरी। तो बस आपको समझना होगा कि सरकम रेडियस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, एजी कुछ और नहीं है, वो सरकम रेडियस ही। अगर आप इतना समझ गए तो डायरेक्टली 8/√3 तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, एबीसी ट्रायंगल में बी एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है, मीडियन एडी है,
CF पर मीट करता है, CF इंटरसेक्ट्स एट O, मीडियन AD और CF इंटरसेक्ट करता है O पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ AOC टू BDOF। चलिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए डायग्राम नहीं है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से जो 90 डिग्री है B पर, ठीक है, ABC ट्रायंगल है, मीडियन इसने बोला AD, तो AD अगर मीडियन है तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मीट करेगा BD के, और साथ में अच्छा ये C पॉइंट है और साथ में CF भी एक मीडियन है, तो CF मीडियन है तो ये इसके मिड पॉइंट पे जाकर मिलेगा AF बराबर FB। ये जहां पे जाके मिला इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं O। AOC और BDOF का एरिया का अनुपात निकालने को बोला जा रहा है, मतलब AOC मतलब ये वाला एरिया और BDOF मतलब ये वाला एरिया, तो आप खुद ही बताइए क्या होगा। देखिए भाई बहुत सिंपल से मैं आपको बताता हूं कि आपको ये पता है कि एक तीनों मीडियन अगर बना दिया जाए, अभी तो दो ही मीडियन बना है, मैं तीसरा मीडियन भी बना देता हूं यहां से इस तरीके से, ठीक है, तो D इसको E मान लेते हैं। मीडियन जब तीनों बन जाते हैं तो ये पूरे के पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, जिसमें से ये एक क्षेत्रफल है, ये एक क्षेत्रफल है, ये एक, एक, एक और एक है। तो अगर हम बात करें AOC के, तो इसके अंदर दो क्षेत्रफल आया, तो ट्रायंगल AOC में दो क्षेत्रफल आया ऐसे छोटे छोटे, BDOF में भी एक और दो दो क्षेत्रफल आया, मतलब अनुपात की बात की जाए तो एक अनुपात एक ही होगा, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, तो रेशियो इन दोनों के क्षेत्रफल का एक अनुपात एक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC ट्रायंगल है, AD मीडियन है, G पॉइंट पर मीट करता है, AD इज द मीडियन एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, व्हाट इज द एरिया ऑफ AGC, इफ द एरिया ऑफ AGC इज 24 व्हाट इज द एरिया ऑफ BGC। चलिए आइए समझते हैं इसको, देखिए भाई एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC, फिर बोला गया है AD एक माध्यिका है तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा यहां पर, और AD का मिड पॉइंट है G, AD का मिड पॉइंट यहां पर है G, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो AG अनुपात GD जो होगा ये एक अनुपात एक होना चाहिए, बराबर। आपको बोला गया है AGC मतलब ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको BGC का एरिया निकालना है, तो BGC यहां ये रहा, इसका एरिया आपको निकालने को बोला गया, कैसे निकालेंगे, देखिए भाई बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझिएगा, ठीक है। हमने ये देखा था किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के तहत आपको यह समझना होगा कि सबसे पहली बात तो ये जो बेस है और ये जो बेस है, अगर मैं इस बेस के बारे में बात करूं, इस बेस के हिसाब से देखा जाए तो यहां C से लेकर जो हाइट होगा AD पर वो सेम हो जाएगा, चाहे आप ट्रायंगल लीजिए CGA ट्रायंगल या आप लीजिए CGD ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में इसका एरिया जो है सेम रहेगा, मतलब कि अगर ये 1:1 रेशियो में है तो इसका एरिया 1, इसका एरिया भी 1 होगा, ठीक है। जहां पर हमने जिस वीडियो में एरिया डिस्कस किया था वहां मैंने आपको बताया है बेस का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में एरिया होता है, तो AGC ट्रायंगल का अगर 24 स्क्वायर यूनिट है तो इस ट्रायंगल का भी एरिया जो है, जो CGD ट्रायंगल है, इसका एरिया भी कितना होगा, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अब आते हैं भाई BGC में, BGC के बात करते हैं, तो BGC की जब बात करोगे तो यहां पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल है भाई BGD, एक ट्रायंगल है CGD, इसमें जो है बेस ये है, इसमें बेस ये है, इस आधार के बात करते हैं तो यहां पर इस G से जो हाइट है ये सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए, चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, तो जिस अनुपात में ये दोनों बट रहे हैं उसी अनुपात में इन दोनों का एरिया होगा, मतलब अगर इसका एक यूनिट है तो इसका भी एक यूनिट होगा, तो पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया दो यूनिट हो जाएगा। अब एक यूनिट बराबर 24 है तो दो यूनिट बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो BGC है इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, तो AD जो है वो माध्यिका था लेकिन G जो था वो AD का मध्य बिंदु था, ना कि सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता तो कुछ और आंसर आता लेकिन इसका मिड पॉइंट दिया था तो एक अनुपात एक के हिसाब से इसका 24 तो इसका भी 24 होगा, साथ में मीडियन है तो इन दोनों का रेशियो 1:1 है, तो जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, तो टोटल BGC का एरिया 48 हो जाएगा, क्लियर। यहां तक समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द इन रेडियस,
तो भाई किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आर बटा आर जो होता है ये 2:1 होता है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आपको समझना होगा कि आपको यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या दी है और अंतवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज में। तो परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर 8 दिया हुआ है, तो स्मॉल आर हो जाएगा 8/2 जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी जो सवाल का सही उत्तर है। क्लियर यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल यहां पर दिया हुआ है, सी सेंट्रॉइड है, पी क्यू बराबर 30 है, क्यू आर बराबर 36 है, पी आर बराबर आपको दिया हुआ है 50। तो डी अगर मिड पॉइंट है क्यू आर का, देन वॉट इज द लेंथ ऑफ सी डी। तो ट्रायंगल नहीं है तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, सी जो है सेंट्रॉइड है, सी जो है सेंट्रॉइड है और पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है, सी यहां सेंट्रॉइड है। चलिए पी क्यू का लेंथ आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, क्यू आर का लेंथ आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और पी आर का लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें दी हुई है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है डी। तो अब देखिए समझिएगा कि पी सी को अगर मैं बढ़ाऊं तो डी पर जाकर ही तो मीट करेगा, क्योंकि देखिए अगर ये सी सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारे मीडियंस मिलते हैं। तो अगर ये सेंट्रॉइड है, ये बिंदु अगर सेंट्रॉइड है तो इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये मीडियन ही तो है, तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा। सवाल में आपको क्या निकालने को बोला गया, सी डी निकालने को बोला गया। कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ चीजें जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसको कनेक्ट करिएगा, यहां पर उसको दोहराना जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन अब कनेक्ट करना है उन चीजों को। थ्योरम्स वाले वीडियो में मैंने सारे थ्योरम इकट्ठा एक बार आपको बता दिया था, वहां मैंने जिक्र किया था आपसे एपोलोनियस थ्योरम के बारे में, एपोलोनियस थ्योरम। तो एपोलोनियस थ्योरम के तहत आप देख पा रहे हैं अगर मैं बिंदु पी पर एपोलोनियस थ्योरम निकालूं तो कहीं ना कहीं मेरा जो पीडी का वैल्यू है ये निकल जाएगा, और अगर पीडी का वैल्यू निकल गया तो हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटता है, तो सीडी का वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक बार पहले पीडी को तो निकाल लें, तो पीडी निकालना है तो आप जानते हैं एपोलोनियस थ्योरम लगाने का फॉर्मूला, पी आर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो एक बार और एपोलोनियस थ्योरम जहां आपने मीडियन का नोट्स बनाया वहां जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी थ्योरम वाले वीडियो में डिस्कशन करके रखा हुआ है। इज इक्वल टू 2 × यहां से आपका पीडी का स्क्वायर प्लस यहां से क्यूडी ले लीजिए चाहे डीआर ले लीजिए, बात एक ही है क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, क्यूडी जितना है उतना ही डीआर होता है ना। तो यहां से पी क्यू का स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर यानी 900, 50 का स्क्वायर यानी 2500। ठीक है, तो 900 प्लस 2500 हो गया 3400 बराबर 2 × पी क्यू का स्क्वायर। पीडी का स्क्वायर तो हमको निकालना है पहले, पीडी का स्क्वायर पीडी निकालना होगा, क्यूडी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 324। ठीक है, तो 2 से इसको काट लिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1700 बन जाएगा। तो पीडी का स्क्वायर कुछ और नहीं है 1700 माइनस 324 जो कि कितना हो गया 1376 हो गया। तो पीडी कितना है, इसका स्क्वायर रूट है, करेक्ट, पीडी इसका स्क्वायर रूट है। तो बताइए भाई पीडी का वैल्यू क्या आएगा, तो एपोलोनियस थ्योरम से डायरेक्ट पीडी निकल जा रहा है। अगर इसको मैं 1376 को देखूं तो भाई 1376 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 4 से अगर इसको गुणा करें तो 3 बार यहां पर जाएगा 12 से, फिर 4 और 4 आ रहा है एक बार, और अगर एक और 4 को मैं अलग करूं तो 8 बार जाएगा 32 से, 32 के बाद आपका 24 आ रहा है तो 46 आएगा। मतलब देखिए इसके स्क्वायर रूट में 4 × 4 × 86 है, मतलब 4 बाहर आ जाएगा 86 अंदर फंसा रहेगा क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता। अब आप जानते हैं 2:1 में बढ़ता है, तो अगर सी डी निकालना है तो सी डी 1/3 हो जाएगा किसका, पी डी का, और ये हो गया भाई 4√86 का 1/3। ठीक है, 4√86 का 1/3 मतलब 4/3√86 मतलब जो ए है इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों को मैंने आपको पहले बता के रखा है लेकिन अब मैं उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको याद भी रहे। जब मीडियन की बात हो रही है तो एपोलोनियस थ्योरम यहाँ से आपको यूज़ करना भी आना चाहिए क्योंकि मीडियन में ही एपोलोनियस थ्योरम छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी एक ट्रायंगल है, जी सेंट्रॉइड है, एजी इज इक्वल टू बीसी दिया है, तो बीजीसी का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए यहां से समझिए, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है एबीसी ट्रायंगल,
ए बी सी ट्रायंगल। जी केंद्रक है और ये जो जी है ए जी, जी केंद्रक है कुछ इस तरीके से आएगा जी, और आपको दिया हुआ है कि ए जी जो है ये बराबर है बी सी के, ए जी जो है बराबर है बी सी के। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट रिजल्ट आप ये नोट करके रखना कि जब ए जी इज इक्वल टू बी सी दिया जाता है तो एंगल बी जी सी जो है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और यही आपसे पूछ रहा है 90 डिग्री कैसे हुआ मैं अभी बता देता हूं आपको, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। जब भी आपको बी जी सी निकालना है तो ये वाला एंगल आपको निकालने को बोल रहा है। अगर मैं इसको पूरा तरह से नीचे तक बढ़ा दूं तो आप जानते हैं कि ये मीडियन है, तो मीडियन जो है यहां डी पॉइंट पर मिलेगा, तो जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये होगा बराबर। तो अगर मैं मान लूं कि ये वाला लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगा, और ये जो AG का लेंथ है ये इसके बराबर है, BC के बराबर दिया हुआ है, तो 2x होगा। और अगर ये 2x है तो 2x और G जो होता है सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है, तो अगर AG 2x है तो नीचे GD का वैल्यू x होगा। यहां तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इसको x लिया तो ये x होगा क्योंकि मीडियन है, मिड पॉइंट पे मिला है, और जितना लेंथ BC का है उतना लेंथ AG का, ये सवाल में दिया है, तो ये 2x तो ये भी 2x। तीसरी बात मैंने कही कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो ए जी 2x हुआ तो जी डी भी x हो जाएगा क्योंकि 2:1 में बांटता है। जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे कि एक पॉइंट से तीन लाइन इस तरीके से बने हुए हैं कि ये भी ये जितना लेंथ है ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा, हमेशा ये 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी कैसे आया? तो सेमी सर्कल का एंगल जो है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लूँ तो सेमी सर्कल में हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सेमी सर्कल बन गया कि नहीं? तो सेमी सर्कल में हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ये वाला 90 डिग्री होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, और क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है तो ये भी अल्फा ये भी बीटा होगा, क्योंकि एक्स एक्स दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, तो 2 अल्फा प्लस बीटा 180 हो गया, मतलब ये वाला कोण जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। देखने का नजरिया होना चाहिए कि यहाँ सेमी सर्कल बन सकता है और सेमी सर्कल का कोण जो है ये 90 होता है, और यही चीज हमने अभी भी देखा कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो जो हाइपोटन्यूज है वही उसका इसका आधा सर्कम रेडियस हो जाता है, और इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सर्कल डिस्कस करूंगा। अभी आप ऐसे समझ के रखिए कि जो हाइपोटन्यूज होता है वही ट्रायंगल का जो है डायमीटर बन जाता है। जब आप उस सर्कल का मतलब सर्कम सर्कल बनाए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटन्यूज जो होता है उसका डायमीटर बन जाता है, इसका मिड पॉइंट उसका सर्कम रेडियस होता है, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है यहां पर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो सेंट्रॉइड जो है, कुछ पॉइंट और आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ सेंट्रॉइड जो होता है वो इस मीडियन के यहाँ पर 2:1 में बटेगा, और मीडियन में आप अगर देखें तो ये ऑर्थो सेंटर बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर होता है और ये आपका सर्कम सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको 2:1 में बटता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस क्या है, तो आपको समझना होगा कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात हो रही है तो ऑर्थो सेंटर ये वाला वर्टेक्स हो जाता है जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल 90 डिग्री पे जहां मीट करे, सर्कम सेंटर इसका मध्य बिंदु हो जाता है, तो जो सर्कम रेडियस है ये सर्कम रेडियस है यही आपका मीडियन बन जाता है, और ये 2:1 में बट रहा है। अब सवाल कुछ भी पूछे, चाहे सेंट्रॉइड और इसके बीच का डिस्टेंस पूछे, चाहे सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछे, वो आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर पे, चलिए ऑर्थो सेंटर पे आते हैं। इसमें सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से, तो ऑर्थो सेंटर जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसके मध्य अंदर लाई करता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें ऑर्थो सेंटर यहां पर आ जाता है इस बिंदु पर, और वहीं जब हम आते हैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में तो अब ऑर्थो सेंटर इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के पीछे बन जाता है, बाहर बन जाता है इस तरीके से, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, यानी लंब केंद्र की बात हो रही है, तो लंब केंद्र क्या होता है, जो तीनों के तीनों लंब है ये जहां पर मिलेंगे वहीं पर आपका लंब केंद्र बनता है। जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो लंब केंद्र अंदर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि सम कोण त्रिभुज का अगर यहां पर बना दिया जाए तो यहां पर जो 90 डिग्री है उसी पॉइंट पर जाकर आपका ऑर्थो सेंटर होता है, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल के पीछे चला जाता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई?
चलिए, अब इसमें भी कुछ थ्योरम्स हैं, उसको आप नोट डाउन करेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहां पर जो कोण बनते हैं, जैसे बी एच सी निकालना है, एंगल बी एच सी निकालना है, ये एच से हम इसको निरूपित करते हैं ऑर्थोसेंटर को। तो बी एच सी होता है 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, और अगर ए एच सी निकालना है तो ए एच सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी। तीसरा, अगर ए एच बी निकालना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल सी। तो ये हो गया भाई। दूसरी बात, ये तो एंगल की बात हो गई, दूसरी बात हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है। तो किसी भी एक ट्रायंगल की जब बात हो रही है तो उसका एरिया तो नहीं चेंज होगा, मतलब कि अगर एरिया चेंज नहीं हुआ तो हम ये लिख सकते हैं कि बेस ए जो होगा वो 2 डेल्टा, क्योंकि ये डेल्टा का मतलब एरिया है, 2 डेल्टा बाय एच वन लिख सकते हैं। वैसे ही हम बेस बी की बात करें तो बी का अपना हाइट होगा, ये बेस बी है इसका अपना हाइट है एच टू, बेस सी है इसका अपना हाइट है एच थ्री, तो बेस बी बराबर 2 डेल्टा बाय एच टू होगा, बेस सी बराबर 2 डेल्टा बाय एच थ्री होगा। तो कोई भी आपसे कभी भी तीनों बेस का अनुपात पूछे तो 1 बाय एच वन अनुपात 1 बाय एच टू अनुपात 1 बाय एच थ्री होता है, इस चीज का आप बढ़िया से नोट बना के रखिएगा, ठीक। तो हाइट दिया हुआ है तो आप यहां से हाइट से साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, साइड दिया है तो साइड से हाइट का रेशियो निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इस पर, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे आप लोग ऑर्थो सेंटर, पहला सवाल, तो ऑर्थो सेंटर हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है। पहला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां दिया हुआ है ओ जो है ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल एबीसी बना है, इसमें बोला गया एंगल बीओसी जो है वो 100 डिग्री का है, बीओसी एंगल जो है 100 डिग्री का है, तो एंगल बीएसी निकालना है। तो सिंपल है ना, ये जो बीओसी है, एंगल बीओसी के बारे में हमें क्या पता है, 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी होता है, तो अगर ये 100 है तो ये 80 डिग्री तो होगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से जो डिफरेंस होता है, मतलब सम होता है, वो 180 होता है। ये एंगल 180 डिग्री माइनस ये एंगल है, तो अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो हमेशा 180 बनेगा, ये अगर 100 है तो ऊपर वाला यहां पर 80 डिग्री बनाएगा। क्लियर है पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, यहां पर ट्रायंगल बी एबीसी है जिसमें बी ई परपेंडिकुलर टू एसी दिया है, सीडी परपेंडिकुलर टू एबी दिया है, बी और सीडी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। अब ओबीसी और ओसीबी के जो बायसेक्टर है, एंगल होगा यहां पर, ये एंगल होगा, एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी का जो बायसेक्टर है, ये सही लिखा है हिंदी में, ये मिलते हैं पॉइंट पी पर, और आपको दिया है बीपीसी एंगल, ये फिर से एंगल होगा यहां पर, करेक्ट करिएगा, यहां सही है, एंगल बीपीसी 148 डिग्री है, तो एंगल ए का माप क्या है ये बताना है। तो देखिए, एक कोण है, ट्रायंगल है एबीसी, इसमें तो पहले बोला गया बीई परपेंडिकुलर है एसी के और सीडी परपेंडिकुलर है एबी के, सीडी परपेंडिकुलर है एबी के, ये दोनों मिलते हैं कहां पर है, तो ये मिलते हैं ओ पॉइंट पर। फिर बोल रहा है ओबीसी का कोण और ओसीबी का कोण का समद्विभाजक, मतलब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, ये दोनों मिलते हैं पॉइंट पी पर, ठीक है। तो ये समद्विभाजक है, ये भी समद्विभाजक है, तो ये कहां पर मिले, तो जहां भी मिले यहां पर 148 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। आपको बताना एंगल ए क्या हुआ, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपके देखने का नजरिया है, इसको समझिएगा। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, ट्रायंगल ओबीसी की बात करते हैं, तो ये इसका एंगल बायसेक्टर है, बीपी एंगल बायसेक्टर एंगल बी का, पीसी जो है वो एंगल बायसेक्टर है एंगल सी का, तो कहीं ना कहीं ये जो पी है ये इन सेंटर बन गया, और इन सेंटर पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले कोण का बराबर होता है, मतलब एंगल बीपीसी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल बीओसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न हमने अलग देखा था, लेकिन अब चीजें कंबाइंड हो रही है तो कंबाइंड करके पढ़ेंगे। इसका मतलब ये एक्चुअली है क्या, 90 डिग्री प्लस 58 डिग्री है बराबर, मतलब देखिए ये है बीओसी बाय 2 होता है, सॉरी, तो 90 डिग्री प्लस बताइए 58 डिग्री ये है, मतलब कितना, बीओसी का आधा इतना है, तो बीओसी कितना हो जाएगा, 116 डिग्री होगा, मतलब ये जो है ये आपका 116 डिग्री बन जाएगा। अब क्योंकि ये लंब केंद्र है, क्योंकि ये लंब केंद्र है, तो ये एंगल बीएसी जो आपको निकालना है, एंगल ए निकालना है, ये 180 डिग्री माइनस का 116 डिग्री होगा,
जो कि हो जाएगा भाई 64 डिग्री। 64 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, यहां पर ए जो है सवाल का सही उत्तर होगा। यहां तक क्लियर? चलिए, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 52 डिग्री, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, बीओ एंड सीओ मीट एट एसी एंड बीई, मीट एट एसी एंड एबी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस्ड। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी एंड ओसीबी मीट एट पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपीसी। तो इसका ठीक उल्टा सवाल है, आप बना सकते हैं इसको। ए 52 डिग्री है, बी और सी दिया हुआ है, बीओ और बीओ देखिए ओ ऑर्थो सेंटर है, लंबक केंद्र है, और बीओ को बढ़ाएंगे तो यहां पर ई पर मिलेगा, सीओ को बढ़ाएंगे तो यहां पर एफ पर मिलेगा। तो ओ पहले तो ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर का मतलब यहां जो एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस का 52 डिग्री बनेगा, मतलब ये 128 डिग्री के बराबर होगा। ओबीसी ओसीबी जो है मिलते हैं पॉइंट पी पर, ये मिलते हैं पॉइंट पी पर। बीपीसी का मान निकालने को बोल रहा है, तो बीपीसी क्या होगा, एंगल बीपीसी ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले एंगल का आधा 128 डिग्री का आधा जो कि 64 डिग्री है। तो 90 डिग्री में आप जोड़ दीजिए 164 को, यानी कि 64 डिग्री को, सॉरी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 154 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। तो दो बार मैंने ये सवाल करा दिया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर जो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में हमने चारों सेंटर्स को कंबाइंड करके पढ़ा, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ गई होगी कि कौन सा सेंटर को हम क्या कहते हैं। नोट्स भी आपने अच्छे से बनाया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पेज को चार हिस्सों में बांट कर आप बनाइए, यह आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और मैं इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट होगा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको रिप्लाई करवा दूंगा इस क्वेश्चंस, जो भी आपसे नहीं बन रहा उससे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। ज्योमेट्री की सीरीज अभी बाकी है, अभी हमने ट्रायंगल कवर किया है, सर्कल्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आने वाले वीडियोस में मैं सर्कल्स डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ज्योमेट्री के सारे वीडियोस देखना, क्योंकि चार क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक बड़ा वेटेज है चार क्वेश्चंस, और 25 के 25 सवाल मैथ्स में सही करना है, तो आप ज्योमेट्री को छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसको कंटिन्यू रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ज्योमेट्री के अगले पार्ट में, जिसमें हम सर्कल्स से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।